हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशाज कुकिंग। आज हम बनाएंगे थ्री कलर बर्फी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है, 2.5 कप पानी लिया है, 1 कप चीनी, 1/2 कप दूध, इलायची पाउडर और ग्रीन एंड ऑरेंज फूड कलर। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे और उसे अच्छे से मेल्ट कर देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें सूजी डाल के अच्छे से भून लेंगे। सूजी को मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इसका ध्यान रहे कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। तीन से चार मिनट के बाद सूजी अच्छे से भून गई है, अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध डाल के अच्छे से मिक्स करना है। दूध डालने से बर्फी हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। अब हम इसमें 2.5 कप गरम किया हुआ पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद 3-4 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है जिससे हमारी सूजी नीचे से चिपक ना जाए। सूजी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम उसे ढककर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे तो सूजी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्फी में इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसे इलायची पाउडर ज़रूर डालना। अब ये बर्फी के लिए तैयार है, अब हम इसे 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। 1 भाग में ऑरेंज कलर मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसी तरह हम ग्रीन कलर को भी मिक्स कर देंगे। ग्रीन कलर भी बन के तैयार है, अब हम इसे 1 बॉक्स में सेट करेंगे। सबसे पहले हम ऑरेंज कलर लेंगे और उसे सेट कर लेंगे। उसी तरह व्हाइट कलर को भी सेट कर लेंगे। अब ग्रीन कलर को भी अच्छे से सेट कर देंगे और उसके बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे।
15 मिनट के बाद हम अब बर्फ़ी को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बर्फी को स्क्वायर में कट कर ली है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।